पंजाब की पंजाब में आम आदमी पार्टी अपने 10 एजेंडे के साथ उतर गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना घोषणा पत्र जारी किया और दावा किया कि पंजाब में बदलाव की बयार बह रही है। दिल्ली में सत्ता का स्वाद चखने वाली आम आदमी पार्टी पंजाब में जोर लगाए हुए है, क्योंकि उसे लगता है कि अब की बार पंजाब में झाड़ू वालों की सरकार आनी तय है। तो अरविंद केजरीवाल ने आज अपने घोषणा पत्र को पंजाब के सामने रख दिया। 10 एजेंडे जिनके सहारे केजरीवाल पंजाब फतह करना चाहते हैं। पहला एजेंडा होगा रोजगार का, दूसरा एजेंडा नशे से मुक्ति का, तीसरा एजेंडा होगा कानून व्यवस्था दुरुस्त करना, चौथा एजेंडा भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब बनाना, पांचवा एजेंडा शिक्षा में सुधार का होगा, छठा स्वास्थ्य सेवा में सुधार होगा, सातवां एजेंडा 24 घंटे मुफ्त बिजली देने का है, आठवां एजेंडा महिलाओं को 1,000 रुपए देने का है, नौवां कृषि सुधार का एजेंडा है और 10वां एजेंडा बिजनेस फ्रेंडली गवर्नेंस का होगा। भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब बनाएंगे जैसे भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनाई है। सातवां बिजली, आज बिजली प्रोड्यूस करता है पंजाब, उसके बावजूद बिजली के पावर कट लगते हैं, लंबे लंबे पावर कट लगते हैं। बिजली सबसे महंगी है आज पंजाब के अंदर। दिल्ली के अंदर जैसे हमने 24 घंटे बिजली की, फ्री बिजली की, ऐसे पंजाब में भी बिजली फ्री भी करेंगे और 24 घंटे। अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति की शुरुआत ही इस बात से की थी कि वो ईमानदार पार्टी है। पैसे लेकर टिकट बेचने या खरीदने के आरोपों के सवाल पर अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, सुनिए। मिशन पंजाब को मुमकिन बनाने के लिए निकल पड़े हैं केजरीवाल। अपने 2 दिन के दौरे की शुरुआत में ही उन्होंने चन्नी सरकार पर जोरदार हमला बोल दिया। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, बेअदबी के कांड हो रहे हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी का ब्रीच हो रहा है, तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफ़ी ख़राब होती जा रही है। चन्नी सरकार उसको हैंडल नहीं कर पा रही है। लोगों के मन में अब बड़ा एक सहमी सी है जनता। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, हम जनता को विश्वास दिलाते हैं कि कानून व्यवस्था को अच्छा करें। इस बार आम आदमी पार्टी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। 117 विधानसभा सीटों पर दंगल है। पिछले चुनावों में पार्टी 20 सीटें जीत कर अपनी पकड़ को दिखा चुकी है। अब पार्टी को उम्मीद है कि पंजाब में झाड़ू चलेगी और केजरीवाल का सियासी जादू बोलेगा। पंजाब एक आवाज में कह रहा है कि हमने 26 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार देखी, 24 साल शिरोमणि अकाली दल की सरकार देखी और इन दोनों सरकारों ने पंजाब को लूट लिया, बेच खाया। अब एक मौका बदल को, एक मौका केजरीवाल को, एक मौका आम आदमी पार्टी को, ये मूड है पंजाब। लेकिन सवाल है कि पंजाब में आपका एजेंडा चलाने के लिए वो चेहरा कौन होगा। अब तक खबरें आती रही हैं कि भगवंत मान को आम आदमी पार्टी अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाएगी। माना जा रहा था कि चंडीगढ़ दौरे पर केजरीवाल इसका ऐलान कर देंगे, लेकिन उन्होंने फैसले को अगले हफ्ते तक टाल दिया है। चेहरे का ऐलान अगले हफ्ते होगा, देखिए। आम आदमी पार्टी पहले ही बता चुकी है और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने खुद पंजाब की आवाम को ये कहा है कि आम आदमी पार्टी आने वाले समय में अपना सीएम कैंडिडेट 2022 के इलेक्शंस का अनाउंस करके ये वाला चुनाव लड़ेगी। और इलेक्शंस अब अनाउंस हो गए हैं, लगभग 1 महीना बचा है इलेक्शंस में, तो बहुत जल्द आम आदमी पार्टी अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम ऐलान करेगी। इस बार पंजाब में ऊंट किस करवट बैठेगा, ये सवाल बेहद अहम है, क्योंकि सियासी समीकरण तेजी से बदले हैं। कैप्टन अमरिंदर बीजेपी के साथ हैं, अकाली दल का बीजेपी से रिश्ता खत्म हो चुका है, तो राज्य के मुख्यमंत्री चन्नी अपने वादों से पंजाब को लुभाने में जुटे हैं। वहीं सिद्धू केजरीवाल पर हमलावर है और ये कड़ी जुबानी जंग के रूप में सुनाई दे रही है लड़ाई। तक सबसे ज्यादा विरोध उन्होंने केजरीवाल साहब की उस अनाउंसमेंट का करा जिसमें अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हम पंजाब की हर महिला को 1,000 रुपए का मुआवजा, 1,000 रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस हर महीने देंगे। और उसका विरोध करने के बाद कुछ ही हफ्तों बाद खुद यही अनाउंसमेंट कर देते हैं कि हम 2,000 रुपए हर महिला को देंगे। तो पंजाब में आज के समय एक नई कहावत बनी है कि साइकिल का भी स्टैंड होता है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू साहब का कोई स्टैंड नहीं। पंजाब में किसकी जीत होगी,
किसे जनमत का साथ मिलेगा, इसका फैसला 10 मार्च को हो जाएगा। लेकिन उससे पहले केजरीवाल के 10 सूत्री एजेंडे से राज्य की राजनीति धारदार हो गई है। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू और सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो।